मदरसे में दिन भर अगर वो स्कूल जाता है और बच्चों को अपने अपने आप बच्चों को नज़र रखे कि वो उधर जाए, अगर पार्क में जाए तो उधर पार्क में क्या करता है, क्रिकेट खेल रहा है कि उधर और कोई मतलब काम कर रहा है। मैं यही गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में आप ड्रग डी एडिक्शन सेंटर डालिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में डालिए, और पुलिस भी इस पे काम कर रही है मगर इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पुलिस को भी हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि वो मतलब करते हैं, काम करते हैं वो, मगर इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बस थैंक यू। हमारी ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है कि जे एंड के रूरल डेवलपमेंट, जिसके यूनिट्स हमारे पूरे जे एंड के में हैं और हम ये काम, सोशल काम करते हैं। आज जो ये हमारा जो प्रोग्राम इधर है, हम यहाँ जो आपके प्रेस एनक्लेव में इसलिए आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि आज की डेट में सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही है। आप देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें ब्रिज से डेली हमें न्यूज़ आती कि आज इसने छलांग मारी, आज उसने छलांग मारी। क्या गवर्नमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि अगर ये छलांग मार रहा है ये बच्चा, ये मार क्यों रहा है, चाहे ये बच गया या चाहे ये नहीं बचा, लेकिन आगे के लिए तो इसमें एक्शन होनी चाहिए कि ये छलांग क्यों मार रहा है। और वो तभी होगा जब एक कमीशन होगा। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं इसमें एक कमीशन बनाया जाए जो देखे कि जितनी ये सुसाइड्स हो रही, ये क्यों हो रही, इनकी वजूहत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बच्ची को कहीं ब्लैकमेल हो रहा है तो वो सुसाइड कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बच्चा ड्रग्स खा रहा है उसको ओवरडोजिंग हो रही है तो वो खुदकुशी कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं घर का कुछ ऐसा स्ट्रेस है जो वो झेल नहीं पा रहा और सुसाइड कर रहा है। चाहे गवर्नमेंट तो देखना चाहिए, जब वो देखेगा उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन कर पाएगा। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी खान है और मैं सेंट्रल चेयरमैन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी कश्मीर हूँ। तो हम यहाँ पर इस वक्त जो ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये हम माशरे में बढ़ती हुई खराबियों को देखकर कर रहे हैं। माशरे में जो खराबियां पैदा हो रही हैं और जो अरूज पा रही है उसको देखते हुए उसके रोकथाम के लिए हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन का अहतमाम किया आज, ताकि हम बता सकें लोगों को कि इस बर्बादी से हमारे क्या नतीज, आगे मुस्तकबिल हमारा कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए आज की डेमोन्स्ट्रेशन थी। अभी हम आपकी नोटिस में ये बात लाई गई है कि पेरेंट्स के लिए हम ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों की देखभाल करें, और अगर पैसा वो ले रहे हैं आपसे, उनको बताएं कि आपने क्या किया इन पैसों का, क्या खाया, क्या पिया, और उनकी जेबों की भी तलाशी ले, उनको देखें कि उनके जेबों में ड्रग तो नहीं है, कोई इंजेक्शन तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है जिससे उनकी उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाए, उनकी सेहत ख़राब हो जाए। यही इसीलिए तो कर रहे हैं ये। और अब साथ ही हमने जो ये बात भी कही कि गवर्नमेंट भी इसमें ये ध्यान दे कि बच्चे जो ये तेज़ी से बढ़ रहा है, ये टेंडेंसी बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत है। जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने आपको बता दिया कि पुलिस को ये पता ना, गवर्नमेंट को ये पता लगाना चाहिए कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों खुदकुशियाँ हो रही है, आज बहुत तेज़ी के साथ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी, इसके महरिकात क्या है।